100% तो कोई भी नहीं कर पाता। कोई बैठता है तो वो गलत नहीं है। मानसिक रूप से जो रोगी लोग होते हैं उनकी रहती है। नमस्कार, मैं हूं रमाकांत उपाध्याय, आप देख रहे हैं नव समाचार। आज हम भाजपा के गुरुराम कार्यालय पहुंचे हैं, सेक्टर 10। हमारे साथ में गुरुराम की भाजपा अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि संगठन में कितनी मजबूती लाई है, क्योंकि अगर किसी को पद मिलता है भाजपा के अंदर वो 3 साल का काल रहता है, उसको लेकर अभी 1 साल पूरा हो चुका है लगभग, अब 2 साल और बका है। क्या इनकी जो जिम्मेदारियां थी इनके ऊपर दी गई पार्टी ने, उसमें यह कितने सक्षम है और कर पाए हैं? जी गार्गी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव समाचार में। मेरा यही सबसे पहले प्रश्न है कि आपको पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी और जो आपको समझ के यहाँ पहुँचाया, तो आज आप सभी लोगों को लेकर, पार्टी के लोगों को लेकर, चाहे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हों या फिर अभी नया, उसमें अभी आप किस प्रकार से लोगों को देख रहे हैं? सबसे पहले तो मीडिया देखता, और आप बहुत अच्छे से देख ही रहे हैं। पिछला लगभग 1.5 साल मेरा हो गया है। इस 1.5 साल में पुराने और नए का समावेश करके जो संगठन की रचना हुई है वह सब आपके सामने ही है, और निरंतर कार्यक्रम में भी सबकी भागीदारी चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि 100% तो कोई भी नहीं कर पाता, पर प्रयास किया है कि फर्स्ट डिवीज़न है, गुड फर्स्ट डिवीज़न। प्रश्न इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चाएं चलती रहती हैं कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे नाराजगी भी रहती है, तो कुछ लोगों का कहना है कि अलग अलग काफी खेमे में बटा हुआ है। जैसे कहा देखा जा रहा हो लोगों पे, कांग्रेस पे भी आरोप लगते रहते हैं कि कांग्रेस कितनी है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लगाते हैं। तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि गुड़गांव में ऐसा तो नहीं कि पार्टी अलग अलग भागों में बटी हुई है? देखिए, राजनीतिक दल में विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है और रहती ही है, पर संगठन एक है, ये भाजपा में ही है। और सत्संग तो वही राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने साथ के लोगों के साथ कोई बैठता है तो वो गलत नहीं है, और क्योंकि उन्हीं से कुछ बात निकल के आती है तो उसको ठीक भी किया जाता है। आप एक महिला हैं और जनरल बॉडी की आप अध्यक्ष हैं, तो आप एक बार मुझे ये बताइए कि महिलाओं के लिए जो आपका जिम्मेवारियाँ हैं आपको दी गई सुरक्षा को लेकर, आज गुड़गांव में आज प्रशासन के साथ आप मिलकर कितना काम कर पा रहे हैं? देखिए, आप पिछला कार्यकाल देखिए, अगर आप व्यक्तिगत मेरी बात कर रहे हैं तो जनरल बॉडी की मेरे पास कमान है। तो भाजपा में सौभाग्यशाली भाजपा परिवार में हमेशा मुझे जो जिम्मेवारी दी गई वो मेन बॉडी में दी, ऐसा नहीं मैंने महिला मोर्चा में काम नहीं किया, पर जिम्मेवारी हमेशा मैंने मेन भाजपा में ही निभाई है। और ये मेरा सौभाग्य है कि महिला होने के नाते मेरे पे इतना विश्वास किया जाता है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, तो पिछले कुछ सालों में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करके उन्हें संभाला गया है। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में या कहीं कांग्रेस के राज में जो घटनाएं घटती थी उन पे लगाम है, और मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि सरकार या प्रशासन में इसमें मानसिक रूप से जो रोगी लोग होते हैं उनकी रहती है भूमिका, और जब उन्हें डर और भय बैठ जाता है तो इस तरीके के केसेस कम होते हैं। तो अब वो डर भय का माहौल है और वो मानसिकता जिनकी खराब है वो लोग कहीं सकते में भी हैं, इसलिए इस तरीके की घटनाएं कम हो रही हैं और लोग अवेयर भी हैं, महिलाएं बहुत अवेयर हुई हैं। इसके साथ में अच्छा, अभी एक कांग्रेसी लोगों का आरोप है, मेरी उनसे चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि बीते दिन कल पंचायत हुई बोटसी गाँव में, जमीन का एक विवाद था, उस विवाद को लेकर उसमें बताया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी का नेता उसमें इंक्लूड है, जो कि जमीन जो प्लॉट है उनको काट के बेचा जा रहा है। देखिए, ऐसी मेरे विषय मेरे पास ऐसे इस विषय में कोई जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा है तो ना तो सत्ता, मतलब मैं अपने शीर्ष नेतृत्व की बात करती हूँ सरकार की, और ना ही संगठन कोई ऐसे व्यक्ति की कोई मदद नहीं करेगा। हम जनमानस के साथ खड़े हैं और जनमानस के लिए ही बने हैं,
तो इसलिए मोदी जी का भी कहना यही है, सबका साथ सबका विकास, और किसी एक व्यक्ति का कोई सपोर्ट नहीं किया जाए। पिछले साल जैसे कोरोना काल में अपनी गति बढ़ाई, आपने लोगों के साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर की देने की बात हो या फिर और दवाइयों से संबंधित हो, आपने लोगों की मदद की, उसमें हमने देखा। परंतु इस बार फिर ओमिक्रॉन जो वेरिएंट नया है, ये फिर अपने पैर फैला रहा है, तो आप प्रशासन से किस प्रकार से बात कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का क्या मैसेज दे रहा है, इस बार क्या फिर आप लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि लोगों को आपसे बहुत आशा है, क्योंकि इसमें काफी लोगों की जाने गई, कई घर उजड़ गए, उस पर आपका क्या फोकस है? देखिए, ये मैं ये मानती हूँ प्राकृतिक आपदा है और पता नहीं कब किस पे आ पड़े, और इसमें भूमिका राष्ट्रीय पार्टी की कार्यकर्ता के नाते भी और एक जनमानस के नाते भी हमारी भावनाएं होनी चाहिए कि सबकी मदद करनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और जिलाध्यक्ष होने के नाते जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। पिछली बार मैं भी कोविड में थी, घर बैठ के इस पर काम किया और पूरी टीम ने लग के काम किया, और परमात्मा ना करे कि इस बार वो भयंकर रूप आए, और अगर आ भी जाता है प्रकृति से तो कोई नहीं लड़ पाया, नेचर से कोई नहीं लड़ पाया। आया तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही अपनी परवाह ना करते हुए मैदान में उतरेंगे, और जितनी सेवा हमसे हो पाएगी हम उसमें खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। मैदान से उतरने वाली बात आई तो मुझे चुनाव याद आ गया, तो चुनाव को लेकर आगामी 10 महीने के अंदर मुझे ऐसा लगता है, या फिर आप समझिए क्योंकि समय काल नगर निगम चुनाव का खत्म हो जाएगा और चुनाव होगा, तो उसको लेकर आपकी क्या अभी रणभूमि है? लोगों का कहना है कि गार्गी जी भी चुनाव लड़ सकती हैं, तो परंतु इसमें आप इस बात को कैसे खंडन करते हैं? देखिए, नगर निगम का चुनाव बहुत जल्दी मुझे लगता है मानेसर वाला पहले चुनाव आएगा, मुझे लगता है, ऐसा कहीं घोषणा नहीं हुई। मुझे इसलिए आभास है कि दोनों चुनाव एक साथ नहीं होंगे, मानेसर का चुनाव फरीदाबाद के साथ होने की संभावना बन रही है, पहले चुनाव मानेसर का लड़वाएंगे और फिर गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक फोकस मात्र यही है कि दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत के आए और दोनों में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद बन के आए, और मेयर दोनों नगर निगम में हम अपने बनाए। जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने की बात है, तो ये जो लोग ऐसा कह रहे हैं ये उन्हीं वही अच्छे सपने देख रहे हैं, हो सकता है उनमें कुछ उनके मन की उनकी इच्छा हो सकती है, उनकी भावना हो सकती है, मैं उसकी कदर करती हूँ, पर अभी पार्टी ने मुझे चुनाव लड़वाने के लिए भेजा, लड़ने के लिए भेजा। मोदी जी का तो ये कहना है कि भ्रष्टाचार हमारे तरफ से खत्म होता जा रहा है, पर लेकिन बात क्या अभी भी अर्जी और पर्ची की बातें चलती हैं, क्योंकि पार्षद का चुनाव हालांकि छोटा चुनाव होता है, अगर देखा जाए जिला स्तर पर बड़ा चुनाव, तो उसमें लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, अर्जी और पर्ची दोनों चीज़ें खत्म की है भारतीय जनता पार्टी ने, और भ्रष्टाचार सरकार के तौर पे बिल्कुल खत्म है। कुछ लोग अगर खुद कर रहे हैं या कुछ अधिकारी खुद कर रहे हैं, तो उनकी जो खुद दे रहे हैं तो वो खुद दोषी हैं, और जो ले रहे हैं वो भी दोषी हैं, उनकी शिकायत होनी चाहिए, और शिकायत करें फिर अगर संगठन को करें, संगठन सरकार को बताएगी तो जरूर उन पर कार्रवाई होगी। अभी आपने देखा पीछे कितना बड़ा मामला जो सामने आया, तो उसमें किसको माफ़ किया गया? चाहे वो कितनी बड़े पोस्ट पे था, चाहे वो कितना प्रभावशाली व्यक्ति था, सबको सरकार ने लपेटा और घर वापसी कराई। दूसरा आपने कहा काउंसलर परिवार, अर्जी तो लगाना नियम है ही, अर्जी नहीं लगाएंगे तो हम टिकट कैसे देंगे? और जहाँ तक पर्ची वाली बात है, तो पर्ची किसी ने भेजी भी, दोनों बातें मैं कह रही हूँ, अर्जी लगाना उनका धर्म है, अर्जी लगाएंगे तभी कंसीडर होंगे, हमें क्या पता कौन चुनाव। उसके साथ भारतीय मुद्रा का आचमन जो किया जाता है वो भी होगा क्या? मैं दोनों बातें कर रही हूँ, आपके तीन प्रश्न, अर्जी तो अर्जी उसे लगानी पड़ेगी जिसको टिकट चाहिए, वो भाजपा कार्यालय में अर्जी लगाएंगे। अब दूसरी बात आ गई पर्ची, किसी की पर्ची आ भी गई कि इसको टिकट देनी है, अगर वो काबिल नहीं है तो उसको टिकट संगठन नहीं देगा। अब बात आ गई भारतीय मुद्रा की, तो मुद्रा का कोई विषय ही नहीं है, जनता ने वोट देने हैं, अगर वो जीतने वाला कैंडिडेट है उसके पास नहीं भी होगा तो पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर उसकी चुनावी खर्चे को उठा के, जो हमारे यहाँ जैसे मान लो जिले की टीम में, प्रदेश की टीम में कई लोग
अच्छे धनाढ्य रहते हैं, आर्थिक तौर पे मजबूत होते हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर उसको चुनाव लड़वाने का काम भी करेंगे, चाहे वो आर्थिक तौर पे कितना भी कमजोर हो। इसके साथ मेरा एक और सवाल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे गुरुराम की दिशा को गड़बड़ कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो साइन बोर्ड उन पर लगभग दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के चारों तरफ बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो मैं उसी बात को लेकर, क्योंकि मेरी अहियोग अत्री से भी इस बात पर बात हुई, नगर निगम जो डिप्टी कमिश्नर उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने एक ही बात कही कि हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। पर लेकिन देखा जाए जब हमारी बहन गार्गी के ही लगे हुए हैं, तो अब इसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, एक तो कोई बैनर मेरा अपना स्वयं का बनवाया हुआ नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगवाया हुए बैनर होते हैं, और मैं सच में इस बात से दुखी भी हूँ कि वो साइन बोर्ड लोगों की सुविधाओं के लिए, उसके ऊपर बोर्ड नहीं लगने चाहिए, उसके ऊपर बैनर नहीं लगने चाहिए। अभी जल्दी ही एक बड़ी बैठक सुधीर सिंगला जी के घर के सामने साइन बोर्ड लगा है, उस पर भी लगा दिया है कार्यालय के बाहर। देखिए, मैं वही कहने जा रही हूँ कि अभी बहुत जल्दी एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि कोरोना का भी गाइडलाइन आ गई है, और वर्चुअल बैठक करके भी साइन बोर्ड जो लोगों की सुविधाओं के लिए लगाए गए हैं उसका दिशा निर्देश दिया जाएगा कि इसके ऊपर नहीं लगाया जाए। इसमें क्या अधिकारी भी फंस जाते हैं, अगर वो उतारते हैं तो भी दिक्कत होती है, नहीं उतारते तो लोगों को दिक्कत होती है। मैं स्वयं इस बात का खुद मैं भी इस बात को मानती हूँ कि गलत है, और जरूर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया जाएगा। और दूसरा मेरा इसमें ये भी कहना है, आपके माध्यम से अधिकारी जितने ये बोर्ड बनाने वाले लोग हैं उनके साथ कंपल्शन करें कि जिस प्रिंटिंग प्रेस पे ये छप रहे हैं उनको ये निर्देश हो, नोटिस जारी किया जाए, नहीं उनको ये निर्देश हो कि वो अपने प्रिंटिंग प्रेस का नीचे नंबर जरूर डालें, ताकि लगाने वाले वो हैं कार्यकर्ता नहीं, तो उनके पास भी ये गाइडलाइन जाए कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में वो छप रहे हैं उसका नंबर लगना अनिवार्य है, और अगर वो लगाते हैं, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो जाके लगाते हैं, कार्यकर्ता स्वयं नहीं लगाता, और वो जब अच्छी जगह लग जाता है तो कार्यकर्ता दो बार और छपने के लिए दे देता है, उसको लगता है कि मेरे अच्छी जगह लग गए, पर ये हमारे कार्यालय से इस जिले के कार्यकर्ताओं को जरूर ये निर्देश हो जाएगा, तो थोड़ा सा प्रशासन भी मदद करे, मैं भी बात करूंगी उनसे स्वयं। इसमें मेरा एक और आपसे जुड़ता हुआ सवाल कि आप गुड़गांव के विषय पर अगर देखा जाए तो शिक्षा स्वास्थ्य पर हमारी चर्चा हुई, शिक्षा जैसे चौथी से का मामला चल रहा है, फिर उसके साथ में बच्चों की फीस भी बढ़ रही है, और कोरोना काल का समय भी आ रहा है बच्चों की अब स्कूलों को, तो इसके साथ में आप प्रशासन के साथ में कैसे काम कर पा रहे हैं? देखिए, मेरी आज भी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, चौथे से के कुछ लोग आज मेरे से सुबह से संपर्क में थे, अभी वो कुछ दिन पहले मिलने आए थे, तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से उनकी बात कराई, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करते करते प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं शिक्षा मंत्री जी से उनके सामने स्पीकर पर बात की, क्योंकि स्कूल के की जो मैनेजमेंट है सभी इकट्ठे होकर कोर्ट में दस्तक दे दी, अब कोर्ट में दस्तक देने के बाद फैसला कोर्ट में करना है, और बच्चे शिक्षित हो ये हमारा परम धर्म है, सरकार का भी और हम लोग भी चाहते हैं कि हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए, तभी मेरा देश का उज्जवल भविष्य तैयार होगा। अब कोर्ट के निर्णय के इंतज़ार है, और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट भी बच्चों के अधिकार, मूल अधिकार के उस पर निर्णय करेगा, और क्योंकि इस पर कुछ कहना बनता नहीं है, क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है, और जो भी फैसला आएगा मुझे उम्मीद है कि भावी भारत के निर्माता का ये जो बच्चे समाज के लिए जो जो बच्चे हैं उनके हक में आएगा। इसके साथ प्रदूषण को लेकर आप देख रहे हैं कि गुरुग्राम का नाम पृथ्वी पर अगर देखा जाए अव्वल एक नंबर पर आता है, तो उसको लेकर आप लोगों की प्रशासन के साथ में जनता के साथ में जागरूक अभियान आप क्या चला रहे हैं इसमें? देखिए, सच बताएं तो इतनी आपाधापी में इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू में सब बात का जवाब देना, मैं ये मानती हूँ कि आप किसी चीज़ पे आपने अभी कुछ किया ही नहीं तो उसको मान लेना चाहिए, तो मैं ये चैनल पर मान रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदूषण बहुत है, पर इस विषय पे मेरी कोई बात भी नहीं हुई, आपने आज बात की है तो मेरे संज्ञान में ये भी आया कि ये बहुत ज़रूरी काम है, जब सांस लेने के लिए स्वस्थ हवा का ही स्वच्छ हवा का ही सिस्टम नहीं बना पाएंगे तो कैसे जी पाएंगे, तो आज आपसे इंटरव्यू के बाद तुरंत में बात करती हूँ।
बस अड्डे का सवाल है। बस अड्डे पर लगातार विगत कोई 2-3 साल से काम चल रहा है, आवक जावक में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत है, तो उस पर आप लोग क्यों नहीं प्रशासन से या फिर जो ठेकेदार है उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके सत्ता के अतीत ही काम प्रारंभ हुआ था और अभी चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इस विषय में पीछे मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी और मैं माननीय विधायक जी को भी बात करती हूँ, क्योंकि विषय उनका है, मेरा विषय सिर्फ संगठन चलाना है और कोई विषय ऐसा नहीं कि हम नहीं, मीटिंग तो होती है, मीटिंग हाँ, मैं इस विषय पे उनके संज्ञान में आज जरूर लाऊंगी और अपने विधायक जिसे कहूंगी इसको इस पे फॉलोअप लें और इस काम में आगे बढ़ाएं। सेकंड लास्ट मेरा एक प्रश्न है कि साइन बोर्ड में जैसी बात आई, अब बैनर की बात आई, आप एक महिला भी हैं, महिलाओं को जागरूक भी कर रहे हैं, लोग महिलाओं के साथ में खड़े भी हुए हैं, पर लेकिन मैंने ऐसा नोटिस किया कि मैं काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के बीच में हूं और पार्टियों के बीच में हूं, देखता आया हूं, राजनीति से मेरा ज़्यादा संबंध है, परंतु उस पर अगर देखा जाए कि अध्यक्ष मैन बॉडी का तो फोटो आ रहा है पर लेकिन महिला मोर्चा की अध्यक्ष या फिर किसी पदाधिकारी का फोटो नहीं आता, ये मेरा प्रश्न भी आपसे सवाल है, इसमें क्या कोई राजनीति है या फिर ये सिस्टम में नहीं होता? देखिए संगठन का एक विषय रहता है, संगठन में प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें रहती हैं। आप देखिए ना ऊपर अन्नपूर्णा जी की फोटो आपको मिलेगी, आपको जो महिला जिस दायित्व पर प्रोटोकॉल के महिला मोर्चा के बैनर्स भी मिलते हैं आपको, आप ये कह ही नहीं सकते महिला मोर्चा की अध्यक्षा का फोटो नहीं होता, और महिला मोर्चा की अध्यक्ष का फोटो महिला मोर्चा के कार्यक्रम में उतना ही बड़ा होता है जितना जिलाध्यक्ष का। ये प्रोटोकॉल है मेन भाजपा और मोर्चों के जब कार्यक्रम होते हैं, तो ये वाला प्रश्न मेरे ख्याल तो होना ही नहीं चाहिए। जितना जितनी बढ़ोतरी महिलाओं को इस बार मिली है तो शायद मेरे ख्याल पुरुष वर्ग ने तो दी नहीं, क्योंकि अभी सुशासन दिवस पे 25 दिसंबर में हमने जितनी भूमिका 33% की बहनों की संगठन में है, उतनी ही परसेंटेज वक्तव्य के तौर पर हमने बूथ पे बहनों को भेजा है और इस कार्यकाल में दो हाथ नहीं हो सकते। मेरा अंतिम आपसे सवाल ये है कि 2022 प्रारंभ हो चुका है नव वर्ष, उसके लिए अपने गुरुराम शहर के लिए, अपने गुरुराम जिले के लिए, अपने कार्यकर्ता और अपने यहाँ के प्रवासी जितने भी बाहर के लोग आए हुए रहने वाले हैं वो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश है एक बार आप केंद्र को बताइए। वैसे तो अंग्रेजों का वर्ष है, हमारा तो अभी आने वाला, पर इस नव वर्ष पे मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ, आने वाला समय सबके लिए स्वस्थमय हो, मंगलमय हो और सबके बच्चे स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, ऐसी मैं सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। जी हाँ, आपने गार्गी कक्कड़ को इस समय सुना, उन्होंने बताया कि जो उन्होंने जिस बात को स्वीकार करना चाहिए वो स्वीकार भी की और उसके साथ में यह भी उन्होंने बताया कि जिन समस्याओं पर मुद्दे आपने हमें बताए हैं उनको हमने काफ़ी विषय पर जागरूक किया, उनको नहीं बताता तो उस संज्ञान को लेकर वो अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे चर्चा करेंगे, प्रशासनिक टीम से बात करेंगे कि कहां पर दिक्कतें आ रही हैं, साइन बोर्ड की जो समस्या लगातार आप अखबार और चैनलों के माध्यम से पता कर रहे थे, कई लोगों ने इस पर मुद्दा उठाया, उसका खंडन करते हुए भी अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से कहा है कि मैं इस पर भी गौर करूंगी और ये चीज बहुत जल्दी हम इसको निपटाएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, विवाद खबर हर समय, धन्यवाद।